टीवी के पॉपुलर सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने रोशन सिंह सोढ़ी को लेकर शॉकिंग खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सोढ़ी उर्फ गुरचरण सिंह लापता है। एक्टर के पिता हरगीत सिंह ने बातचीत में यह कंफर्म किया है। उनका कहना है कि 22 अप्रैल से गुरचरण सिंह लापता है। पुलिस में उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। पुलिस को उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, जिससे उन्हें गुरचरण को ढूंढने में मदद मिल सके। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द गुरचरण को ढूंढ लेगी। हरगीत सिंह ने कहा, SHO ने मुझे कॉल की थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो गुरचरण को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। उम्मीद करता हूं कि गुरचरण ठीक होगा और वो खुश होगा, जहां भी वो इस समय है, बस रब उसकी खैर करे। रिपोर्ट्स की माने तो गुरचरण की माँ पिछले काफी समय से बीमार चल रही हैं। वो अस्पताल में भी भर्ती थी। पिता ने बताया कि अब वो ठीक हैं और घर पर हैं, आराम कर रही हैं। परिवार इस समय गुरचरण को लेकर चिंता में है, पर सभी लोग पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चल रहे हैं। सभी को कानून और भगवान में पूरा भरोसा है। दिल्ली के पालम पुलिस स्टेशन में गुरचरण सिंह के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 25 अप्रैल को ये कंप्लेंट दर्ज हुई है। बता दें कि गुरचरण ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी का रोल अदा करके हर घर में अपनी पहचान बनाई थी। दर्शकों को उनके बोलने का तरीका बहुत पसंद आया था, जिस मजेदार तरीके में वो अपने डायलॉग्स को पोर्ट्रे करते थे, हर कोई उनका फैन था। गुरचरण ने अपने रोल से घर घर में पहचान बनाई। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी गुरचरण के डायलॉग्स को लेकर न जाने कितने मीम्स बने। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो क्विट कर दिया। शो के साथ उन्होंने इंडस्ट्री को भी अलविदा कह दिया था। माँ की बीमारी को लेकर वो थोड़ा परेशान रहने लगे थे। मुंबई छोड़कर पंजाब जा बसे थे। जब गुरचरण ने शो छोड़ा तो खबर आई थी कि असित कुमार मोदी ने उनकी सैलरी पूरी नहीं दी है, काफी पैसा उन्होंने रोक लिया है। साथ ही कुछ क्रिएटिव इश्यूज भी दोनों के बीच पैदा हो गए थे, जिसके कारण गुरचरण ने शो को क्विट किया था।